I never wanted to have someone from the film background in my life. Because मुझे ना वो बाल की खाल नहीं निकालनी है कि अब नहीं पसंद आई, अच्छा इसके साथ क्यों काम किया, अच्छा ये ऐसा होना चाहिए था, अरे ये लोग कौन हैं. मुझे वो चाहिए, वो डिस्कशन ही नहीं चाहिए. मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए. व्हेन आई मेरा पैकअप मतलब कि पैकअप, तो घर आके मुझे नहीं डिस्कशन करनी अपनी पिक्चर के बारे में, अनलेस समथिंग हैज हैपेंड दैट आई वुड वांट टू शेयर. तापसी पन्नू ने किया अपने बॉयफ्रेंड मथायस बो के साथ शादी की न्यूज पर रिएक्ट. तापसी पन्नू और मथायस बो 9 ईयर्स से कर रहे हैं एक दूसरे को डेट. मथायस बो के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर बोली तापसी पन्नू. बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू पिछले कई सालों से बैडमिंटन प्लेयर मथायस बो को डेट कर रही हैं. मथायस बो और तापसी पन्नू के रिलेशनशिप को 9 ईयर्स का लंबा समय हो चुका है और हमेशा तापसी पन्नू ने अपने रिलेशनशिप को लो की रखा है. ऐसे में एक रीसेंट इंटरव्यू के दौरान तापसी पन्नू से पूछा गया कि क्या वो भी बाकी बॉलीवुड स्टार्स की तरह जल्द ही मथायस बो से शादी करने वाली हैं? तो इस पर शी सेड, सी मोस्ट ऑफ माय कंटेम्पररीज हु आर गेटिंग मैरिड एंड हैविंग बेबीज हैड एक्चुअली मेट देयर बेटर हाफ्स आफ्टर आई स्टार्टेड डेटिंग द पर्सन आई एम स्टिल डेटिंग. यस, इट्स बीन रियली लॉन्ग एंड इट्स द सेम पर्सन दैट आई हैव बीन डेटिंग. थैंकफुली इट इज नॉट लाइक आई हैव एवर aside from owning up to it. It is just that my relationship happened in the early years of my career and at that time, if this conversation came up, it would be about that and not about my work. तापसी पन्नू ने ये भी बताया कि neither she nor Mathias Bo are into PDA. साथ ही तापसी पन्नू ने ये भी कहा कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह के कंपटीशन में नहीं है. शी सेड, थैंकफुली वी एंड अप फाइंडिंग टाइम फॉर ईच अदर एंड दैट हैज हेल्प्ड दिस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क फॉर ओवर 9 ईयर्स नाउ. आई एम नॉट इन एनी कंपटीशन, नीदर इन माई प्रोफेशनल लाइफ नॉर इन माई पर्सनल लाइफ. आई एम परफेक्टली फाइन विद द पेस एट विच आई एम गोइंग इन माई लाइफ. वैसे जहां तक तापसी पन्नू के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो शी विल नेक्स्ट बी सीन इन वो लड़की है कहां, डंकी अलोंगसाइड शाहरुख खान एंड फिर आई हसीन दिलरुबा. Get a chance to feature on Zoom TV. Ho ja Zoomify.